नमस्कार, मैं हूं जटाशंकर सिंह। आइए देखते हैं मेट्रो इंडिया न्यूज, हर खबर पर खास नजर। मुंबई के बांद्रा परिसर में कला नगर के पास हाईवे पर स्थित साहेब फाइन डाइन होटल को NH1 किचन एंड बार के सहयोग से नए टेस्ट और स्वाद के साथ भव्य स्तर पर शुरू किया गया है। यहाँ पर खाने पीने के शौकीनों को एक विशेष इंतजाम देखने को मिलेगा। बिल्कुल नए लुक और टेस्ट का यहाँ आनंद आप पहुँचने पर उठा सकते हैं। पार्किंग की भी अच्छी व्यवस्था है, जिसके कारण अब NH1 किचन एंड बार लोगों को खूब पसंद आ रहा है। चिकन, मटन, फिश की कई वैरायटी यहाँ पर देसी और वेस्टर्न अंदाज में खाने का लुत्फ आप उठा सकते हैं। इस मौके पर उपस्थित बॉलीवुड के कई सेलिब्रिटी एवं उद्योगपति के अलावा NH1 किचन एंड बार के संचालक कमलेश सिंह स्वाद के शौकीनों को क्या संदेश दिया है, आइए हम आपको सुनाते हैं उन्हीं की जुबानी। शुक्रिया लकी तरह, थैंक यू सो मच। ओपनिंग है आज, ये बहुत बड़ी बात है। सबसे पहले थैंक यू सो मच उत्तम जी का एंड पायल जी और हमारे सुनील जी, सो थैंक यू वेरी मच ऑल द टीम। हम लोग आए यहाँ पे, हमने इनका फूड भी टेस्ट किया है, बहुत सुपर्ब है। अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप भी विजिट कीजिए NH1। ये ब्यूटीफुल सा ये जो देख रहे हैं आप लोकेशन, वहाँ पे और बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं। उत्तम जी भी कुछ बोलेंगे क्योंकि ये हमारे मेन बॉस हैं, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और राइटर, सब कुछ है। हम इनके आर्टिस्ट हैं। प्लीज सर, आज खाने पे ध्यान दो ना, ज़्यादा बनाने लगे। हाँ, बहुत अच्छा प्रीमाइसेज है साहेब NH1 किचन एंड बार। जनरली हम लोग सूरत वाले बोलते हैं कि सूरत नो जामन कासी नो मरण, मतलब सूरत खाने के लिए प्रसिद्ध है। तो आज थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ अपना स्टेटमेंट, आज मुंबई में भी वो चटकारे आज हमें मिले हैं साहेब NH1 किचन एंड बार में। बहुत माउथ वाटरिंग इनके फूड्स है, स्लर्पी है, मतलब चटकारे लेने का पूरा मन करता है जाके। हमने स्पाइसी खाना बहुत अच्छा यहाँ पे हमने टेस्ट किया पूरी टीम ने, और बहुत ही सुपर फैसिलिटीज़। इनका एक्सटीरियर बहुत अच्छा है और इंटीरियर तो मतलब क्या बोलोगे आप जाके, मतलब अमेजिंग। पूछते हैं अमेजिंग, आप बताओ आपको कैसा लगा। मैं और कुछ बोल ही ना सकती, एक ही नंबर है, मतलब मस्त है, मराठी में एकदम फर्स्ट क्लास। अच्छा, मराठी में खूब शान है। मेरे को इससे सिंपल आप लोगों गाइस बोलना है, यहाँ पे नेशनल हाईवे पे है, सबसे बड़ी हमको कहीं जाना नहीं है, आराम से एकदम टू वर्थ जमीन पे एकदम तुरंत गए, गाड़ी लगाई, बाइक ओके, कार एकदम फिट। मेन हमारी जो प्रॉब्लम है जाम की, जो टेंशन की, वो कोई टेंशन नहीं है, आराम से आइए, लगाइए, एंजॉय करिए। तो सर आप चारों एक साथ बोलिए सर के हमारे दर्शकों को NH1 जितने भी देख रहे हैं प्लीज आइए, विजिट कीजिए और बहुत सारा प्यार दीजिए NH1 किचन एंड बार। लव यू ऑल। जिसको भी जायकेदार खाना खाना है NH1 किचन एंड बार में आना है, आना है, आना है। थैंक यू सो मच, आपका प्यार लकी तरार। हम लोग ऑलमोस्ट 16 ईयर्स से चला रहे हैं। जो हमारा पहला आउटलेट था अंधेरी चकाला में था, अब हमने उसको बढ़ा के यहाँ पे सेकेंड आउटलेट खोला है। 16 साल से सब लोग हमारे लिए हमको बढ़ाया उन्होंने, हम अब भी चाहते हैं कि लोग उसी तरह प्यार दें और हमको बढ़ाएं। खासकर बांद्रा की जो जनता, खासकर बांद्रा के लोग और BKC के लोग देखते हैं। अब हमने अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, आगे ऊपर वाला जहाँ जहाँ जैसे कराएगा वैसे हम करेंगे। मैं NH1 का अंधेरी से बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, मुझे हमेशा इनका खाना बहुत पसंद आया, खाना, सर्विस, स्वाद लाजवाब था। मेरी कमलेश जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और ऑल द बेस्ट, और अच्छा करें, अंधेरी में जैसा करते थे इससे और अच्छा करें, वैसी मैं शुभकामनाएं देता हूं उन्हें। NH1 ऑल द वेरी बेस्ट। कैसा लगा सर यहां पे आप आए, खाना और टेस्ट? बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे? सबको आने के लिए बोलूँगा NH1 के लिए, बहुत अच्छी जगह है। सर एक होता है मज़े से खाना और एक होता है खाने का मज़ा लेना, तो यहाँ मुझे दोनों चीज़ मिली। और NH1 जो बांद्रा ईस्ट के अपने हाईवे से जुड़ा हुआ लोकेशन है, बड़ा प्यारा लोकेशन है और फूड इज़ ओसम। अगर आपके घर पे कोई आपकी कोई हैप्पी मोमेंट्स है, अगर आप यहाँ आके खाएंगे तो गोल्डन मोमेंट बन जाएगी। दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे जो लोकल के लोग हैं?
दोस्तों पहले तो मैं आपसे कहूँगा कि हम सबके जीवन में हम जैसे हम इंडियन है, प्राउड इंडियंस है, तो हम लोग खुशियाँ सेलिब्रेट करते हैं। तो ये एक ऐसी जगह है जहाँ हमारी खुशियाँ यादगार बन जाएगी। आप आपके फैमिली के साथ आइए हमारे बैंड्रा ईस्ट के ये इस NH1 में, और आप देखिए खाइए कि मैं भी एक इन्वाइटेड गेस्ट था आज, लेकिन सच कहता हूँ दोस्तों बहुत मज़ा आया और आपको भी आएगा।